त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। बालाघाट जिले में भाजपा कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी अपना अपना विजन लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। वहीं वारासिवनी खैरलांजी जनपद क्षेत्र में जिला पंचायत जनपद सदस्य तथा सरपंच पद के लिए चुनावी मैदान में उतरे गुड्डा भैया समर्थक प्रत्याशी सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस को सीधी टक्कर देने तैयार नजर आ रहे हैं और निर्दलीय विधायक तथा कैबिनेट दर्जा प्राप्त खनिज निगम अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल के द्वारा क्षेत्र में कराए गए और किए जा रहे विकास कार्यों को तथा गुड्डा भैया के विजन को लेकर जनता से वोट मांग रहे हैं। देखिए, मैं निर्दलीय चुनाव जीत के आया और जितने मेरे कार्यकर्ता थे गांव-गांव में, मेरे जितने समर्थक थे, ये सभी भी मैं चाहूँगा कि अपने अपने क्षेत्र में, हर ग्राम पंचायत में, अपने पंचायत पंच क्षेत्र में, जिला पंचायत क्षेत्र में मेरे जो लोग हैं वो भी अब सभी जगह मेरे सहयोग से वो भी वहाँ का नेतृत्व करें, ताकि मेरा जो भोपाल विधानसभा और सरकार के माध्यम से जो भी विकास के कार्यक्रम है, वो विकास के कार्यक्रम जो है पंच तक मैं पहुँचा चुकूँ, उनकी समस्याओं को जान सकूँ और अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से विकास के कार्यक्रम को कर सकूँ। तो इस नियत से मेरे चाहे नगर पालिका क्षेत्र हो, चाहे ग्राम पंचायत क्षेत्र हो, सभी जगह मेरे लोग चुनाव लड़ रहे हैं और मैं उनको पूरा सहयोग भी कर रहा हूँ। मेरा सोच यही है कि जिन लोगों ने इतनी विपरीत परिस्थिति में एक निर्दलीय प्रत्याशी को चुनाव जिताया है, तो चूंकि मैं मेरा भी धर्म बनता है कि जब उनका चुनाव आ रहा है तो मैं उनको तन मन धन से सहयोग करूँ, इस भावना से मैं उनको सहयोग कर रहा हूँ। इसमें देखा जा रहा है कि जो आपके अधिकतर जो समर्थित प्रत्याशी हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, उनमें से बहुत सारे जो कांग्रेस माइंडेड है, कुछ जो है दो चार ही है जो बीजेपी माइंडेड है, ऐसे में जनता के बीच बात है। कांग्रेस मेरे चुनाव जीतने के बाद जो लोग मेरे साथ थे सभी लोग आज भी मेरे साथ में। कांग्रेस तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मसानी कांग्रेस अलग हो गई है, राम कुमार की कांग्रेस अलग हो गई है, हमारे वारासिवनी के दो चार लोग जो मेरे को धोखा दे के गए हैं, दो तीन लोग, उनकी कांग्रेस अलग हो गई है। खैरलांजी क्षेत्र में दो टुकड़े हुए कांग्रेस के, और जिला पंचायत क्षेत्र में भी कांग्रेस के दो दो उम्मीदवार लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस तो लगभग पाँच से छः खेमे में बढ़ गई है। तो मैं उस कांग्रेस की बात नहीं करता, मेरे समय जो कांग्रेस थी वो कांग्रेस खत्म हो गई, आज की कांग्रेस पांच भाग में बढ़ चुकी है और मैंने अपने क्षेत्र को इन सब गतिविधियों से दूर रखा है, राजनीतिक गतिविधियों से। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि जब समय पड़ा तो मैंने शिवराज जी चौहान जी को अपना समर्थन दिया और उस समर्थन के बदले मेरे क्षेत्र में उनका मैं सहयोग लेकर क्षेत्रीय विकास के कार्यक्रम कर रहा हूँ, क्योंकि निर्दलीय विधायक के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो उस नाते मैं क्षेत्र में लगातार, मैं समझता हूँ पिछले 10 वर्षों में जितनी भी राशि आई पंचायत क्षेत्र में लगातार बड़ी बड़ी सड़कें बन रही है और शहरी क्षेत्र में आप देखें, शहरी क्षेत्र वारासिवनी जो है, मैं समझता हूँ जो लोग ऐसा कहते हैं, आप लोग भी देखते हैं कि बालाघाट हमारा मुख्यालय है, लेकिन बालाघाट मुख्यालय से ज़्यादा काम वारासिवनी क्षेत्र में हो रहा है। जितना हमारे आजू बाजू के 50 जो विधानसभा क्षेत्र में जितना काम हो रहा हो उससे कहीं ज़्यादा काम मेरे विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। और यही मेरा उद्देश्य था कि 2023 तक हमारे विकास में मैं किसी से समझौता नहीं करना चाहता, हमारा विकास कहीं अवरुद्ध ना हो, और इस नियत से मैं, मेरे क्षेत्र की जनता मेरे से संतुष्ट है। मैं लगातार विकास के कार्यक्रम कर रहा हूँ और मेरे पास 1.5 साल का समय है, इस 1.5 साल में और जितनी ज़्यादा संभव हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री के सहयोग से मैं विकास के कार्यक्रम करना चाहता हूँ। जनता ने इसीलिए मेरे को वोट दिया था और उसमें मैं सफल हूँ। और मेरा, चूंकि मैं निर्दलीय हूँ, तो मुझे, मैं पहले भी कहा कि मुझे जिले की राजनीति, प्रदेश की राजनीति से कोई लेना देना नहीं, बस ये है कि मेरा 1200 खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र है। आज 2023 तक ये समझ सकते हो कि 230 विधानसभा सीट में पहला विधायक जो मंत्री बना, तो इतना सम्मान क्षेत्र की जनता ने मुझे दिलाया है, तो क्षेत्र की जनता का हर व्यक्ति तक और हर समर्थक तक मैं उसकी जो आशा है, मेरे से जो अपेक्षा है, उसको पूरा करना मेरा प्रमुख उद्देश्य है। इसमें मुझे कांग्रेस में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, बीजेपी पार्टी में क्या हो रहा है उससे मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन मैंने, मेरा जो डायरेक्ट संबंध है और जो रिश्ता है वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज चौहान जी से, उनका सहयोग मुझे मिल रहा है और समय पर मैंने उनको समर्थन दिया और समर्थन से मुझे सहयोग मिल रहा है और उसमें जो हमारा मुख्य उद्देश्य है क्षेत्र का विकास, वो काम हो रहा है, मैं उससे संतुष्ट हूँ। ग्रामीण सरकार बनाने में, जिला पंचायत की सरकार बनाने में, जनपद की सरकार बनाने में, मैं चाहता हूँ कि मैं, चूंकि आज मैं अकेला काम कर रहा हूँ, मैं तो चाहूँगा कि मेरे जो समर्थक हैं, मेरे जो कार्यकर्ता गाँव में, वो भी हर राजनीतिक जो मतलब विकास की कड़ी है वो
उस विकास की कड़ी में अपने लोगों को भी जोड़ना, ये भी मेरा उद्देश्य है। तो चाहे नगरीय क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, मेरे जितने भी लोग, मैं चाहूँगा सभी लोग अपने अपने जो मंच है उस मंच का उपयोग करके मेरे जो विकास की गति को बढ़ाएं। 2023 तक मेरे जो प्लान है, जो मैंने जो सपना देखा है, जो जनता की अपेक्षाएं हैं, वो मेरे लोगों के माध्यम से आएगी, उनके माध्यम से उन अपेक्षाओं को मैं पूरा करूँगा। चाहे बड़े से बड़ा काम हो, चाहे छोटा से छोटा काम हो, चाहे शहर का काम हो, चाहे गाँव का काम हो, सारे काम हो गए। जहाँ संभावना रहेगी क्षेत्र के विकास की, ना क्षेत्र का विकास मेरा प्रमुख उद्देश्य है। और उस नाते जैसे चुनाव जीता तभी मैंने कहा था, विधानसभा विधायक बनने के एक घंटे बाद ही मैंने कहा था कि मैं निर्दलीय विधायक हूँ, जिसकी सरकार बनेगी जैसी संभावना दिखेगी मैं उसका समर्थन करूँगा। और आज भी जिला पंचायत में जिसकी सरकार बनेगी, उनकी सरकार खजाना गांव तक पहुँचाने के लिए उस कड़ी में मैं शामिल होना चाहता हूँ। तो जिसकी भी सरकार बनने की संभावना रहेगी मेरा समर्थन उस पर रहेगा। मेरा आखिरी सवाल भैया आपसे, वाराणसी खैरला जी क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर। नहीं, सीधी टक्कर मैं किसी को नहीं मानता, मैं तो अपने लोगों को लड़ा रहा हूँ, बस हो गया, मेरा जो प्रमुख उद्देश्य है। और जनता से यही चाहूँगा कि मैं जो विकास मैंने किया है उस विकास कड़ी को अगर और आगे बढ़ाना है, उस विकास की कड़ी को आपको अपने पंचायत क्षेत्र तक लाना है, तो मेरे जो लोग हैं आप उनको पूरा सहयोग करो, दिल खोल कर सहयोग करो आप, और विकास की जो भी बात है, आपकी जो अपेक्षा है, वो बुड्ढा जसवाल पर आप छोड़ दो। तो सीधा मैं जनता से जुड़ रहा हूँ, और जनता का विश्वास मेरे ऊपर है, तो वो विश्वास मेरे लोगों को भी मिलेगा। मैं इसी ऐसा मैं मतलब बीजेपी से कोई मुकाबला नहीं है, मैं तो अपने लोगों को मदद कर रहा हूँ, अपने लोग के माध्यम से जनता तक पहुँचना है बस। हाँ, जाएंगे उनको अपने लोगों का प्रचार।